क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह जो है अपनी एक वेब सर्वर को जो है अपने एक डीएमजी में रखते हैं, या हम सिंपल फॉर्म में एक और नेटवर्क क्रिएट करते हैं और वहाँ पे अपने रिसोर्सेज या अपने सिस्टम रखते हैं डिफरेंट वीलैंस पर। तो अगर आप देखें मेरा इस वक्त जो वीलैन है, लैन का जो मेरा वीलैन है या लैन का जो नेटवर्क है वो है 0.1, एक्सटर्नल जो है मेरा 1.1 है और मेरा डीएमजी जो है वो है 10.0। तो इस मकसद के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपनी जो फायरवॉल है इसकी एक पोर्ट में केबल डाली और वो केबल मैंने अपने एक सिस्टम के साथ जो है कनेक्ट कर ली। तो ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है जो कि 1.1 पर है, सॉरी 0.1 पर है। आप देख सकते हैं कि इसका आईपी एड्रेस 0.11 है। ठीक, इस तरह मेरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ से मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ वो है 0.11। ये क्लाइंट जो है इसकी जो है आईपी एड्रेस है इसका है 10.22 और 40 गेट का ऑफकोर्स हमारे पास तीन जो है नेटवर्क है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक और वर्चुअल स्विच क्रिएट किया। ठीक है, मेरे पास वर्चुअल स्विच अगर देखें तो एक मेरे पास मैंने एक डीएमजी क्रिएट किया, दूसरा मेरे पास इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। ठीक है, तो इस पीसी के साथ या इस सर्वर के साथ, वेब सर्वर के साथ मैंने जो नेटवर्क कार्ड है वो मैंने डीएमजी का कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और आईपी एड्रेस इस सिस्टम को दिया मैंने 10.192.168.10.22। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है हमने आना है अपनी फायरवॉल पर और फायरवॉल पे सबसे पहले आपने आना है और अपनी जो है आपके नेटवर्क कार्ड है इसको आपने जो आपने कनेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल इंटरफेस को आपने कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे डीएमजी जो है मैंने कनेक्ट किया और साथ ही मैंने इसको एडिट किया। एडिट करते हुए मैंने सर जो है इसका नाम एलियस मैंने दिया डीएमजी और रोल भी मैंने दिया डीएमजी। मैनुअल आईपी एड्रेस है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल पिंग मैंने अलाउ की है और मैंने इसको जो है सेव कर दिया। तो गेटवे हमारा क्या हो गया सूरत में, अगर आप देख सकते हैं गेटवे हमारा 10.1। तो पीसी पर भी मैंने गेटवे जो दिया है वो 10.1 दिया है। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने पॉलिसी एंड प्रोफाइल पर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एड्रेस क्रिएट करना है। एड्रेस किस लिए क्रिएट करना है, क्योंकि सोर्स और डेस्टिनेशन में मैंने एड्रेस देने हैं और साथ ही साथ हमने नेटवर्क कार्ड भी देने हैं इस मकसद के लिए। तो मतलब हमने एक एड्रेस स्पेस बनाना है जिसका एड्रेस स्पेस होगा 1.21.60.0.0 का नेटवर्क, और हमने एक और एड्रेस स्पेस बनाना है जिसको हमने कहेंगे 1.21.60.10.1। ठीक है, तो हम पहले जो है एड्रेस स्पेस बनाएंगे। हम एड्रेस स्पेस बाद में भी बना सकते हैं या ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन भी हम बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको एड्रेस स्पेस को मैं अलग बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं एड्रेस स्पेस जो है बनाते हैं ये ऑलरेडी मैंने बनाया है एड्रेस स्पेस, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ये इट्स नॉट एड्रेस स्पेस, ये एड्रेस है, ये सिर्फ वो है लैन का एड्रेस है, नेटवर्क कार्ड का एड्रेस है। तो हम एड्रेस स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ, इसको लिखता हूँ लैन। ठीक है, और ये मेरा एड्रेस स्पेस हो गया, मतलब ये सिर्फ नाम है फिलहाल, और इसको मैं सबनेट देता हूँ। ठीक है, इंटरफेस भी आप बता दें, इंटरफेस कहते हैं कि ये मेरा लैन है। ठीक है, ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट आप समझे कि एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया LAN-192.168.0.0, ये 0.0 का नेटवर्क है और ये 0.0 नेटवर्क ये नेम था, ये मैंने बना दिया नेटवर्क और ओके करता हूँ। इसी तरह मैंने एक और एड्रेस स्पेस बनाना है जो उसको मैं कहूँगा डीएमजी, और /24 ये भी /24 है। इंटरफेस आप कौन सा है, इंटरफेस हमारा डीएमजी है। ठीक है, तो मैंने दो एड्रेस स्पेस सिर्फ बनाए हैं। ठीक है, इससे मतलब फ़िलहाल हमारी सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब हमने जाना है पॉलिसी में। तो सबसे पहले जो है मैं पॉलिसी क्रिएट करूँगा कि मैं
कहूँगा अपनी फायरवॉल को कि लैन से मेरी एक पॉलिसी बना दो डीएमजी के लिए, ठीक है, और फिर हम डीएमजी से लैन के लिए बनाएंगे। तो अभी जो है मैं क्रिएट करता हूँ, नाम जो है आप दें लैन टू डीएमजी, इनकमिंग जो है लैन है, आउटगोइंग जो है हमारा डीएमजी है, सोर्स यहाँ पे सोर्स जो है हमने देने हैं। सोर्स में मैंने क्या दिया कि मेरा सोर्स कौन सा है, मेरा सोर्स है लैन का नेटवर्क, ठीक है। डेस्टिनेशन कौन सा है, डेस्टिनेशन मेरा है वैन का नेटवर्क जो कि सॉरी डीएमजी का नेटवर्क जो कि है 10.0, ठीक, और इसलिए हमने ये बनाए थे इसको। ऑलवेज सर्विस भी जो है आप ऑल कर दें, आप HTTP HTTPS कर सकते हैं, जो भी आपने करना है ये भी आप कर सकते हैं। और हमारा राउट की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम नेटवर्क में मतलब इंटरनेट नेटवर्क में हम राउट नहीं करते, नेट नहीं करते सॉरी, हम राउट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये नेट को मैं हटा दूँगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने भूलना नहीं, ठीक है। फिर जो भी अगर इनके आपका इंटरनल फायरवॉल है तो आप DNS फिल्टर की आपकी ज़रूरत नहीं होगी, वेब फिल्टर की भी आपकी ज़रूरत नहीं होगी, एंटीवायरस की आपको ज़रूरत होगी, IPS वगैरह की भी आपकी ज़रूरत होगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो नेटवर्क है जो स्पीड है थोड़ी स्लो हो जाएगी, लेकिन जो है आपको आपकी जो प्रोफाइल है सिक्योरिटी प्रोफाइल वो आपकी टाइट रहेगी। तो इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और क्रिएट करना है जो कि है लैन टू डीएमजी टू लैन, ठीक है। हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में आप ठीक रहें, अच्छे रहें, ताकि आपको जो है आसानी रहे अपनी फायरवॉल को समझने में। अभी हमने उसको उल्टा कर देना है, सोर्स हमारा हो गया 10.0 नेटवर्क और डेस्टिनेशन हमारा हो गया 0.0 नेटवर्क, ठीक है। और साथ ही में स्केड्यूल ऑलवेज है, सर्विस जो है आप ऑल कर दें, ठीक है। और साथ ही हमने नेट को हमने हटा देना है, और हमने जो भी प्रोफाइल आपने लगानी है एंटीवायरस वेब फिल्टर वगैरह वगैरह आपने जो है लगाएं, ठीक है। वेब फिल्टर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि लैन टू डीएमजी अगर आप वेब फिल्टर लगाना चाहें तो आप लगा लें, एंटीवायरस भी आप लगा लें ऑफकोर्स ये, लेकिन वहाँ से जो है आपको वेब फिल्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्या होगा कि आपकी जो इंटरनल तो आपका कोई वेबसाइट है नहीं जो आपका डीएमजी से एक्सेस कर सके, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। लेकिन एंटीवायरस जो है आप ज़रूर लगाएं, IPS भी आप ज़रूर लगाएं, ठीक है। मैं इसमें नहीं लगाता, ओके करता हूँ। तो हमने क्या कर दिया, हमने जो है लैन टू डीएमजी और डीएमजी टू लैन जो है हमने वो पॉलिसी बना ली है, ठीक है। और आपने क्या करना है कि इसके बाद जो है आपने अपने जो आपके सिस्टम हैं उनको पिंग करना है, ठीक है, और फिर देखना है कि कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं। अक्सर जो है आपकी फायरवॉल जो है अनेबल होती है तो पिंग भी आपकी नहीं हो रही होती, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पिंग करता हूँ, CMD देखिए मेरा पिंग जो है ये सक्सेसफुली हो रहा है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे अगर मैं CLS करता हूँ, पहले IP कन्फिग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा जो है 0.1 है, तो मैं पिंग करता हूँ 0.1 को, ठीक है। उसके बाद मैं पिंग करता हूँ 10.1 को, वो भी पिंग हो रहा है। उसके बाद जो है मैं 10.22 को पिंग करता हूँ, तो वो भी पिंग हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमने सक्सेसफुली एक PC से पिंग किया, पहले अपनी फायरवॉल को, फिर फायरवॉल के से दूसरे जो है सबनेट को जो कि 10.1 था, उसके बाद जो है हमने पिंग किया 10.22 को, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम जो है दूसरी साइड से आते हैं और अपने क्लाइंट नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं, जैसे इससे यहाँ पे मैं कनेक्ट होकर पिंग करता हूँ अपने ये 0. नेटवर्क को,
पहले अपना आईपी देखते हैं, देखिए 10 है, ठीक है। तो मैं पिंग करता हूँ एडमिन पीसी को, देखें ये पिंग हो रहा है, ठीक है। अपने पिंग करता हूँ डीसी वन को, तो वो भी पिंग हो रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने डीसी के एसएमबी को शेयर करना चाहूँ, क्योंकि हमने सर्विसेज जो है ऑल की थी, अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो मैं अपना डीसी वन को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से क्योंकि इस सिस्टम पर हमारा एक वेब सर्वर है, मेरे इस सिस्टम पर, तो देखते हैं कि क्या हम उसको एक्सेस कर पाते हैं कि नहीं। ये मेरा इस सिस्टम पर मेरा एक वो है क्या कहते हैं वेब सर्वर है, तो मैं जाता हूँ अपने एडमिन पीसी से, और एडमिन पीसी से मैं वेब सर्वर को एक्सेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा वेब सर्वर जो है ये भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली जो है, हमने आप कह सकते हैं कि हमने राउटिंग क्रिएट राउटिंग किया है बिटवीन लैन एंड डीएमजी और फ्रॉम डीएमजी टू लैन, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी डीएमजी से हमारी इंटरनेट की ट्रैफिक जो है अलाउ नहीं है, तो वो भी हम सेम टू सेम जो है हम अलाउ कर सकते हैं, लाइक वी अनेबल फ्रॉम लैन टू एक्सटर्नल, ठीक है। तो बल्कि वो भी कर लेते हैं, इस वीडियो को रैपअप करते हैं। क्रिएट न्यू, क्या नाम मैंने रखा है ताकि मुझे समझ आ सके, लैन टू इंटरनेट। एक और पॉलिसी क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू, और इसको हम देते हैं डीएमजी टू इंटरनेट फ्रॉम डीएमजी टू हमारी वैन या जो इंटरनेट पोर्ट है, और सोर्स क्या होगा हमारा जो है, हाँ ऑल कर लें, या अगर आप देखना चाहते हैं अपना वो 0.1 जो है डीएमजी 1.10.1 वो करना चाह रहे हैं वो कर लें, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या कर सकते हैं आप, ऑल, क्योंकि इंटरनेट पे आप ऑल चलेंगे, ठीक है। सर्विस कौन सी है, सर्विस भी आप जो है वो ऑल कर लें। तो इसके बाद जो है ऑफकोर्स आपने जो है नेट करना है, क्योंकि नेट बाहर जा रहा है हमारा, जो भी आपने एंटीवायरस वगैरह की फ़िल्टरिंग मिल्टिंग करनी है वो भी आप लगाने, वे फ़िल्टर वगैरह जो भी आपने करने हैं, डीएनएस फिल्टर भी लगा लें, क्योंकि बॉटनेट को जो है वो बॉटनेट से या सीएनसी से ट्रैफिक से हमको बचाता है। तो मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अभी हमारी जो पॉलिसी है, अच्छा अभी मैं आता हूँ अपने एक लाइन टू पर, google.com, देखें कि मेरा इंटरनेट जो है एक लाइन टू से या डीएमसी से जा रहा है इंटरनेट के ऊपर। बीबीसी उर्दू, डीएनएस की ट्रैफिक हम देखते हैं कि डीएनएस की ट्रैफिक किस वक्त कहाँ जा रही है। आप देख सकते हैं कि पीछे इंटरनेट ने काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो डीएनएस की ट्रैफिक हमारी जो रही है 0.11 को, ठीक है, और ये हमारा सब कुछ काम जो है वो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली डीएमजी से भी ट्रैफिक जो है हमने बाहर निकाल ली, और लैंड टू वैन, लैंड टू डीएमजी कम्युनिकेशन भी हमने कर ली, और डीएमजी से लैंड की कम्युनिकेशन भी हमने कर ली, ठीक है। यूजुअली आप जो है डीएमजी पर कोई वेब सर्वर वगैरह या जो भी सर्वर आपने पब्लिश करना है, आपने स्पेसिफिक जो है ट्रैफिक अलाउ करनी है, ना कि पूरी की पूरी ट्रैफिक अलाउ करनी है। जैसे कि मैंने पूरी की पूरी ट्रैफिक अलाउ की है, अगर मैं अपने इस पर जाता हूँ और यहाँ से एमएसटी करता हूँ क्लाइंट वन, अगर वहाँ पे मेरा रिमोट शॉप अनेबल हो तो वो भी काम करेगा। लेट्स सी कि मेरा रिमोट शॉप अनेबल है कि नहीं।
ठीक है, मेरा रिमोट सर अनेबल नहीं है, लेट्स हम अनेबल करते हैं और उसके बाद जो है हम एक बार फिर ट्राई करते हैं अपने। ठीक है, ये हमारा जो है वो भी हो रहा है। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली जो है कॉन्फ़िगर कर लिया अपना अपनी फायरवॉल के वो सारी किस्म की सब किस्म की कम्युनिकेशन जो है वो करे। याद रखें आप जो है पहले अपने एड्रेस स्पेस क्रिएट करनी है, उसके बाद जो है आपने फायरवॉल की पॉलिसी क्रिएट करनी है और मेक श्योर आप जो है जो भी आपके रूल्स हैं पॉलिसीज हैं फायरवॉल पॉलिसीज या प्रोफाइल पॉलिसी एंटीवायरस वगैरह वगैरह वो आपने रखने हैं। साथ ही साथ अपने नाम जो है वो क्लियर रखें ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो।